तो दोस्तों दोस्तियों सहेलों सहेलियों मसातों मारोटरों भाई और बहनों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे, खैर खैरियत से होंगे और तो और यार जहां भी होंगे एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को। अस्सलाम वालेकुम प्यारो, मेरा नाम है कैफ अली और आप देख रहे हैं तालीम का घर। दोस्तों जैसे जानवर कुछ खतरनाक होते हैं वैसे कुछ प्यारे भी होते हैं, लेकिन आज मुझे पता लगा कि ना दिखने वाले भी जानवर होते हैं। ना दिखने वाले जानवर? अबे पागल वागल तो नहीं हो गया? जी जी बिल्कुल, मेरा भी सेम ही रिएक्शन था। तो दोस्तों रिएक्शन को रखो साइड में, आज मैं आपको ना दिखने वाले जानवर दिखाऊंगा। तो चलिए साथ में देखते, अकेले मत देखना सालों। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 लीफ इंसेक्ट। नहीं, नाम से तो पत्ते वाला कीड़ा बनना चाहिए, लेकिन अंग्रेजों का क्या कहना भाई, मर्जी है उनकी। लीफ इंसेक्ट को वॉकिंग इंसेक्ट भी कहा जाता है। लीफ इंसेक्ट की पूरी दुनिया भर में 50 से ज्यादा किस्में मौजूद हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा बल्कि गूगल बोल रहा है। यार ये कीड़ा ज्यादातर ग्रीनिश एरियाज में रहता है ताकि शिकारियों से बचा रहे। फास्मोडिया, जो कि इनको लीफ लाइक अपीयरेंस देता है। वैसे फास्मोडिया का मुझे भी नहीं मालूम कि क्या है, पर बायोलॉजिस्ट वालों तुम मुझे जरूर बताना कि क्या खशेट है यार ये। लीफ इंसेक्ट ज्यादातर साउथ एशिया, ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गुइनिया के टापुओं का कीड़ा है। नंबर 2 ओक लीफ बटरफ्लाई। दोस्तों ये तितली बिल्कुल एक पत्ते के जैसे लगती है, जैसे कि कोई सड़ी हुई पत्ती पड़ी हुई है, जिसकी वजह से ये अच्छे अच्छे और माहिर शिकारियों को चकमा दे देती है। ये तितली वाकई इनसेन है यार। वैसे ओक लीफ बटरफ्लाई ट्रॉपिकल एशिया, इंडिया से लेकर जापान तक आप इसको देख सकते हो। वैसे इस तितली को 2000 में पाकिस्तान में भी देखा गया था। ऐसा मैं नहीं कह रहा बल्कि विकिपीडिया कह रहा है। इस तितली की नस्ल इंडिया में तो रेयर नहीं है, पर चाइना में काफी कम मिकदार में है और बहुत ही रेयरली मिलती है। वैसे एक प्रो टिप दे दूं कि हर नासी पत्ता ओक लीफ नहीं होता, लेकिन काफी सारे होते भी है, डिपेंड करता है कि आप किस इलाके में रहते हो। क्यों प्रोटिप? कोई प्रोटिप नहीं थी ना? अरे मुझे मालूम है यार, लेकिन क्या करूं, वीडियो को भी तो लंबी कर। अब यार तुम समझ के ना, हाँ बस वीडियो को लंबी ही करनी है। नंबर 3 मोसी लीफ टॉयल गेको प्रोप्लेटस सिकोरगोए। यार इतना मुश्किल नाम, एक तो यार मुंह में ही छाले पड़ गए, लेकिन आप टेंशन ना लो यार, आपके लिए इसको मोसी लीफ टेल गेको का नाम दिया है मैंने। मैंने नहीं, साइंटिस्ट ने। देखो यार आपके लिए मैं कितनी आसानियां लाता रहा हूं ताकि आपको तकलीफ ना हो बोलने में। वैसे जानवर नुमा कीड़ा बिल्कुल एक पेड़ की तरह दिखता है, जिसकी वजह से आज हमारी काउंट डाउन लिस्ट में भी तीसरे नंबर पे आया है। नंबर 4 लेप्टोसेफलस। यार ये एक बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट मछली, इसके आर पर आप चीजें देख सकते हो। साइंटिस्ट ने क्लेम किया कि ये ईल्स 140 मिलियन ईयर्स पुरानी मछलियां हैं। ये मछलियां कम से कम 10 सेंटीमीटर और 4 इंचेस की होती है जब ये एडल्ट हो जाती हैं। नंबर 5 ऑक्टोपी। दोस्तों ऑक्टोपी को दुनिया की सियानी मखलूक कहा जाता है अपने 3 दिलों की वजह से। वैसे अगर ऐसा होता तो शायद आज टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन को ऑक्टोपस चला रहे होते, लेकिन ऐसा नहीं है। चलो इस बात को छोड़ो। वैसे ऑक्टोपी बिल्कुल एक समुन्दर की जमीन के जैसे दिखने लग जाता है, जिसकी वजह से समुन्दर के नीचे पत्थरों में ऐसे गुम हो जाता है कि साला था ही नहीं जैसे। नंबर 6 पिग्मी सी हॉर्स। दोस्तों पिग्मी सी हॉर्स भी सी हॉर्स की एक किस्म है, बस इतू सी, मतलब के छोटी वाली। ये सी हॉर्स जस्ट 2 इंच तक की होती है, उससे ज्यादा नहीं। यार ये जानवर छुपने में इतना माहिर है कि साइंटिस्ट ने भी ये कहा है कि ये जानवर और समुंदर के नीचे अंदर वाली टहनिया जैसे दोनों ही एक हैं। नंबर 7 मॉस फ्रॉग। दोस्तों मॉस प्लांट, जो कि बहुत ही कॉमन है, ये पानी में पाया जाने वाला पौधा है और इस फ्रॉग को सेम टू सेम अपीयरेंस की वजह से इस फ्रॉग पे भी नाम आ गया मॉस फ्रॉग। और यार ये छुपने में भी बहुत ही ज्यादा माहिर है। नहीं, अगर मुझ पे यकीन नहीं आ रहा तो खुद जाके ढूंढ लो, अगर मिलता है तो, अगर मिल जाए तो ग्रेट, और अगर नहीं मिला तो शेम शेम पप्पी शेम। क्या भाई तुम क्या डड्डू ढूंढोगे, तुमसे डड्डू नहीं ढूंढा जाता। नंबर 8 डेकोरेटर क्रैब। दोस्तों डेकोरेटर क्रैब को स्पाइडर डेकोरेटर क्रैब भी कहा जाता है, हाँ इसके मिलते जुलते शेप की वजह से। वैसे तो यार ये बहुत ही डिलीशियस सी फूड डिश की तरह है, लेकिन इनविजिबल हैस की वजह से ये बहुत ही कम शिकार में आता है। नंबर 9 पिंक विंग स्टिक।
यार ये बिल्कुल ही टिड्डी जैसी लगती है, तो मानो ना मानो मैं तो मानता हूँ इस बात को। वैसे पिंक विंग्ड स्टिक भी ग्रीनिश कलर की होने की वजह से प्लांट्स में पाया जाता है, लेकिन ढूंढना इसको नेक्स्ट इम्पॉसिबल जैसा होता है इसके कलर की वजह से। तो दोस्तों आप सबको कैसी लगी ये वीडियो, जवाब कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। और अगर यार ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल तालीम के घर को। और दोस्तों इसी के साथ अपने भाई को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।